हाँ यार शाहजेब, कहाँ रह गया है? इतनी देर हो गई, मैं लोकेशन पे ठहरा हूँ। अच्छा अच्छा, मैं आ रहा हूँ। और साकिब कहाँ रह गया है? वो भी नहीं आया अभी तक। साकिब भी नहीं पहुँचा अभी तक। चलो मैं उसे भी कॉल करता हूँ, लोकेशन पे पहुँच जाते हैं। हाँ जल्दी पहुँचो, तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ बस। हाँ शहजेब, साकिब अभी तक सोया पड़ा है यार। तैयब लोकेशन पे पहुंच गया, जल्दी उठ और चले। अच्छा वो पहुंच गया, चल मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा मैं निकल रहा हूँ, तू भी आ जा फिर। अरे नहीं यार, क्या कर रहे हो? ठीक से करो ना शॉट, दोबारा हो गई। अच्छा अच्छा ठीक है यार, अब ये लास्ट चेक है, गुड देना। ठीक है ओके ओके एक्शन। नमाज का वक्त हो गया है और ये पता नहीं किन फजूल कामों में लगे हुए हैं। गुड हो गया यार शॉट, जब हमने लास्ट शॉट लेना उसके बाद फिर नमाज का टाइम भी हो रहा है, 10 मिनट रह गए हमारे, जल्दी करो। नमाज का टाइम तो खत्म हो गया। नहीं नहीं यार, अभी 15 मिनट पड़े हैं, दूसरी मस्जिद में होगी नमाज। भाई साहब ये क्या आपने ड्रामा शुरू किया हुआ है? क्यों भाईजान, खैरियत क्या हो गया? मैं नमाज पढ़ने जा रहा था तब भी आप इधर ही खड़े थे, अब वापस आए हो तब भी इधर ही मौजूद हैं। खुदा का खौफ करें, नमाज पढ़ने का कोई होश नहीं है आपको? ये जो अल्लाह का अजाब है ये आप लोगों की वजह से आता है। अपने हक में भी दुआ किया करें नमाज पढ़ के, और दुनिया के हक में भी दुआ करें और कुछ होश करें। तो ये भाई कहाँ से आ रहे हो? बस अभी नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। यार वैसे आपकी आफरीन है, काम के साथ साथ नमाज की पाबंदी करते हो माशाल्लाह, और एक हम हैं कोताहियाँ करते हैं और नमाजें छोड़ देते हैं। यार अल्लाह हमें भी हिदायत दे आपकी तरह। दिल छोटा मत करें भाईजान, मगरिब की नमाज के लिए मैं आपको खुद लेके जाऊँगा। हाँ भाईजान ज़रूर। चलें ठीक है भाईजान, मिलते हैं फिर अगली नमाज में। चलो यार पैकअप करो, बाकी शूट बाद में करेंगे, नमाज का टाइम हो गया। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं तैयब रियाज भट्टी और आप देख रहे हैं TRP फैमिली। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो सबसे पहले लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था, जैसा कि इसके टाइटल से वाजिह हो रहा है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो इसका मतलब यह है कि आपने किसी को किसी के पेरेंट्स से नहीं पहचानना। तो आपने सबसे पहले खुद को सुधारना है, अपने आप को देखना है। तो मेन मकसद हमारा इस वीडियो को ये बनाने का यही था। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को। तो इसी के साथ ये रियाज भट्टी आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।